महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायित्व नीति, करुणामूलक आधार पर नौकरी मांग रहे लोगों की नियुक्ति समेत कई अन्य मांगों को लेकर यूथ कांग्रेस ने आज धर्मशाला में रैली निकाली और धर्मशाला के तपोवन में चल रहे शीतकालीन सत्र के तहत विधानसभा में सरकार का घेराव करने के लिए विधानसभा का कूच भी किया। इससे पहले कि ये तमाम कार्यकर्ता विधानसभा पहुंचते, भारी पुलिस बल ने जोरावर स्टेडियम में इन्हें रोका। इसी बीच सदन से उठकर कांग्रेस के विधायकों ने भी अपने अपने क्षेत्र से आए युवाओं के समर्थन के लिए आगे बढ़कर जोरावर स्टेडियम में हाजिरी भरी। इस दौरान पुलिस ने किसी भी कार्यकर्ता को अंदर नहीं आने दिया और सुरक्षा घेरा को और कड़ा कर दिया। हालांकि इस बीच उत्साह और जोश से भरे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की चौकसी में सेंध लगाने की भरपूर कोशिश की और पहले सुरक्षा घेरा को तोड़ने में भी सफल भी हुए, मगर इससे पहले कि वे दूसरे घेरे को तोड़ते, पुलिस ने अपना मुकम्मल बल प्रयोग करते हुए इन्हें बीच में ही रोका। इस बीच हल्के बल का भी प्रयोग युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यदुपति ठाकुर पर भी किया गया, जो घायल हुए, जिन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं, साथ ही पुलिसकर्मियों को भी गुत्थम गुत्थी और धक्का भी लगा है और काफियों को चोटें भी आई हैं। इस बीच मीडिया के साथ बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष और शिमला के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि युवा कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर सरकार का घेराव करने जा रही है, मगर उन्हें बीच में ही रोका जा रहा है। वो युवा कांग्रेस की मांगों का समर्थन करते हैं और युवा आंदोलन का समर्थन भी करते हैं। और आयोग के लोग आते हैं, उनको जो है वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनका गंगा जल जो है अंदर अंदर तक पहुंचाया जाता है, और युवा कांग्रेस को इस तरीके से यहाँ पे रोका जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सबके लिए समानता के साथ सबको अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, और सरकार जो अराजकता आज प्रदेश के अंदर फैल रही है, इसके लिए और कोई जिम्मेवार नहीं है, केवल सरकार जिम्मेवार है, सरकार के मुख्यमंत्री जिम्मेवार है, सरकार के DGP जिम्मेवार है, और सरकार के मुख्य सचिव जो है वो इसके लिए जिम्मेवार है। आगे क्या प्लानिंग रहेगी सर, क्योंकि अभी यहाँ पर आपको रोक लिया गया है, आगे की ये क्या प्लानिंग है? हम आगे तैयारी करेंगे, विधानसभा में आगे अपनी आवाज उठाते रहेंगे, आगे आगामी विधानसभा के चुनाव है, उनके लिए पूरी तरीके से तैयारी रहेंगे। ये सरकार वैसे भी अब 4-5-6 महीने की सरकार रह गई है, वेंटिलेटर के ऊपर ये सरकार है, जाने वाली है। मुख्यमंत्री जी का वैसे भी कोई दिलचस्पी इस विधानसभा सत्र में है नहीं, चार दिन सत्र को हो चुके हैं, अभी तक वो यहाँ से गायब है, तो ये दर्शाता है कि सरकार का रवैया जो है वो विधानसभा के प्रति और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति क्या है। विधानसभा तक पहुँचेगी युवा कांग्रेस? अभी ये तो कार्यकर्ता घायल भी हुए, उनके जोश पे निर्भर करेगा और पुलिस के डंडों पे निर्भर करेगा। घेराव तो हो रहा है, ये विधानसभा का ही है, बहुत संख्या में युवा कांग्रेस के हमारे लोग आए हैं, और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह चोर दरवाजों से नौकरियां दी जा रही हैं और मेरिट का गला घोंटा जा रहा है, ना सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन से नौकरी दी जा रही है, ना पब्लिक सर्विस कमीशन से नौकरी दी जा रही है, चहेतों को जो है चोर दरवाजे से अंदर करने का प्रयास हो रहा है, ये जो है बहुत खतरनाक ट्रेंड है। आपको मालूम है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मिस्टर चौटाला कितनी सजा काट के आए हैं, जेलों में रहे हैं, 10 साल के जेल काट के आए हैं। यहाँ भी ये जो ट्रेंड है ये खतरनाक है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और युवा जो में अनरेस्ट है, लोगों ने डिग्रियाँ ली हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई ग्रेजुएट है, कोई जो है M.Tech हैं, कोई हर तरह की डिग्रियां लेके लोग बैठे हैं, और ये चोर दरवाजे से नौकरी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसियों को नौकरी डालने की कोशिश हो रही है, बाकी 66 कॉन्स्टिट्यूएंसियों में जो है हाहाकार मची हुई है। आप ये देख रहे हैं, ये युवाओं में जब अनरेस्ट आ जाता है, यूथ में अनरेस्ट आ जाता है, तो वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। सरकार को तो जाना है, क्योंकि 4 चुनाव हारने से भी अगर इनको समझ नहीं आ रही है, 4 चुनाव अभी हुए, पार्लियामेंट का भी हारे, 3 विधानसभा में भी हारे ये, और उसके बाद आपने देखा कि हार के बाद संदेश गया एक कि सरकार सही नहीं चल रही है, 12 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता हुआ, 17 रुपये डीजल सस्ता हुआ, किसानों के बिल वापस लिए, अब कह रहे हैं कि कर्मचारियों को हम पे कमीशन लागू करेंगे, ये लेकिन ये सब चीज़ जो हैं आफ्टर थाट हैं, अब ये ऐलानों बयानों की सरकार रह गई, और अब तो इस सरकार की विदाई का टाइम है। मुख्यमंत्री पहले ही भाग गए हैं, इस सेशन में 2 दिन मुख्यमंत्री यहाँ थे लेकिन अंदर नहीं आए,
तीन दिन के लिए बाहर भाग गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं, कोई कहते काशी गए हैं। तो इसलिए जो माहौल बना हुआ है, हिमाचल बेरोजगारी में पाँचवें स्थान पर पहुँच गया, हिंदुस्तान में 14% बेरोजगारी हो गई, एक्सचेंज में लोग भरे पड़े हैं और जो है 14-15 लाख लोग बेरोजगार हैं, लेकिन इस सरकार को कोई परवाह नहीं है। और ये जो है पुलिस के बल पे, जो है पुलिस के बल पे ये कोशिश कर रहे हैं।